आपको अपनी औलाद में सबसे ज़्यादा प्यार हज़रत फ़ातिमा, मेरे जिगर का टुकड़ा है, जिसने इसे सुख दिया उसने मुझे सुख दिया, जिसने इसे तकलीफ दी मुझे तकलीफ़। फातिमा मेरी बेटी जन्नत की औरतों की सरदार है, ऐसे खूबसूरत फ़ज़ाइल तो किसी को नहीं मिले। मेरे बेटे हसन हुसैन जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं। फातिमा तू, मैं, ये दोनों, ये अली, हम पांचों क़यामत में इकट्ठे होंगे। मेरे नबी चेयर पर बैठे हुए हैं, ज़मीन पर बैठे हुए हैं, चारपाई पे लेटे हुए हैं, और हजरत फातिमा एंटर होती हैं। हम सब वालदैन बैठे हुए हैं। इसके बाद आप एनालिसिस करें कि हम अपने बच्चों को ये प्रोटोकॉल देते हैं। मेरे नबी ने कहा अकरमु औलादकुम, अपनी औलाद को इज्जत दो। सब वालदैन बैठे हुए, मां बाप बैठे, मेरे नबी खुद कैसे इज्जत देते थे। ये मेरे नबी का घर है, ये आपकी बेटी फातिमा का घर है, बीच में दो घर हैं, तीसरा का चौथा घर हजरत फातिमा का, और आना जाना कभी कभी नहीं है, हर दूसरे तीसरे दिन आना, रोज भी आना है। हजरत फातिमा एंटर हुई, आपकी नजर पड़ी, आप खड़े हो जाते और खड़े नहीं रहते थे, तेजी से आगे बढ़ते थे और जाकर हजरत फातिमा का हाथ पकड़ लेते और हाथ पकड़ के बोसा लेते थे, फिर हाथ छोड़ते नहीं थे, हाथ पकड़े पकड़े तशरीफ लाते, पहले हजरत फातिमा को बैठाते उसके बाद खुद बैठते थे। ये मेरे नबी की सीरत के वो पहलू हैं जो आपने शायद कभी नहीं सुने होंगे। चांद के दो टुकड़े कर दिए, इससे मेरे नबी की अजमत का तो पता चलता है, लेकिन मुझे रास्ता तो नहीं मिलता कि मैंने जिंदगी कैसे गुजारा।